सोहना एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज दोपहर फिर एक बार इस रोड पर हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने वैगनार को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वैगनार कार पलटकर करीब 100 मीटर तक घिसटती चली गई। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी भीषण रही होगी। वहीं टक्कर लगने के बाद तेज रफ्तार स्विफ्ट गाड़ी डिजायर से टकरा कर पलट गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भेजा गया है। भाई आप देख रहे होंगे, 2 गाड़ी थी, एक तो वैगनार थी टैक्सी नंबर और एक ये डिजायर है। इनका बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ है, आपने देखा भी होगा, लेकिन ये खैरियत है कि किसी भी जान मान की हानि नहीं हुई है। वैगनार में कितने लोग सवार थे? वैगनार में ये तो मेरे को नहीं पता, हम तो अभी 10-5 मिनट पहले आए हैं। बाकी आप गाड़ी का अंदाजा लगा सकते हो देख के कितना भारी नुकसान है। डिजायर में 3 लोग थे, तीनों सही हैं, बस हल्की फुल्की चोट आई है, बाकी सब सही है। कोई रॉन्ग साइड भी चढ़ रहा था? नहीं, रॉन्ग साइड कोई नहीं था भाई, गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस हुई है डिजायर और उसके बाद ही हादसा हुआ है। तो स्पीड ज़्यादा भगाने की वजह से? नहीं, स्पीड की तो खैर हमें पता नहीं, लेकिन ये डिजायर डिसबैलेंस हुई है उसके कारण हुआ है। जानकारी के मुताबिक स्विफ्ट डिजायर कार गुड़गांव के भोंडसी की तरफ जा रही थी। बादशाहपुर के पास आगे जा रही टैक्सी नंबर वैगनार गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में स्विफ्ट गाड़ी असंतुलित हो गई। इस दौरान स्विफ्ट के चालक ने ब्रेक भी लगाई, जिसके बावजूद भी ये गाड़ी वैगनार कैब से जा टकराई और वैगनार को करीब 100 मीटर तक घसीटते हुए ले गई और डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। बताया जा रहा है कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में सवार तीनों युवक रिठौज के रहने वाले हैं। फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि कैब में कितने लोग सवार थे और उनमें से किसे चोट लगी है। मेरे को टूर पर था, मैं वहाँ से सूचना मिली पे वहाँ पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया है 2 कारों का, तो वहाँ से मैं आया हूँ यहाँ पे। मेरे जाने पहले इंजर्ड यहाँ से भेज दी गई थी। कितने लोग? 3 लोग गाड़ी में? 3 लोग बता रहे थे मेरे को। स्विफ्ट में कितने थे? ये पतले नहीं हुआ, पता कर रहा हूँ अभी। किस तरफ जा रही थी गाड़ी? ये सब 16-60 जा रही थी गाड़ी। कारण पता चल रहा है किस कारण? आपस में फास्ट गाड़ी थी, आपस में बैलेंस बिगड़ गए। आपस में कैसी तबीयत है? अब वो थोड़ी चोट लगी है, भेज दिया अस्पताल भेज दिया। बता दें कि गुड़गांव के सोहना के बीच लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए इस एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया था, लेकिन इस एलिवेटेड रोड पर वाहनों की रफ्तार के कारण अब दुर्घटनाएं होने लगी हैं। शनिवार सुबह भी बादशाहपुर के पास एलिवेटेड रोड पर गलत दिशा में आ रही मांस से भरी पिकअप व फॉर्चुनर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। एलिवेटेड रोड पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।